बड़ी खबर भोपाल से हमारे पास आ रही है, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस करेगी चंदा वसूली। चुनाव लड़ने के अलावा पार्टी के पास दैनिक खर्चों के लिए भी फंड नहीं बचा है। फंड के लिए पार्टी शुरू करेगी 2 अक्टूबर से लोक संपर्क अभियान। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस को सर्कुलर भेजा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस को 32 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। हर बूथ से 5,000 रुपए एकत्रित करना अनिवार्य है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां आर्थिक तंगी से कांग्रेस जूझ रही है, जिसको लेकर अब चंदा वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनाव लड़ने के अलावा पार्टी के पास अब दैनिक खर्चों के लिए भी फंड नहीं बचा है, जिसको लेकर अब 2 अक्टूबर से लोक संपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत फंड जुटाया जाएगा। हर बूथ से 5,000 रुपए एकत्रित करना अनिवार्य है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव जानना चाहेंगे, लंबे समय से सत्ता से दूर है और इसके बाद अब जाकर आर्थिक तंगी से भी परेशान है कांग्रेस, चंदा वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अपडेट क्या मिल पा रही है? मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से सत्ता का बनवास भोग रही कांग्रेस के पास चंद पैसे नहीं है पार्टी को चलाने के लिए। चुनाव लड़ने की बात छोड़िए, दैनिक जो खर्चे होते हैं उसके लिए भी पार्टी के पास फंड नहीं है और दिल्ली ने भी पैसा भेजना बंद कर दिया है। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लक्ष्य दिया गया है, सर्कुलर भेजा AICC ने कि आप 32 करोड़ रुपए जुटाइए। मध्य प्रदेश में करीब 64,000 बूथ हैं, तो हर बूथ से करीब 5,000 रुपए चंदा एकत्रित अनिवार्य किया है कांग्रेस के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिसके हिसाब से करीब 32 करोड़ रुपए का जो चंदा वसूली का अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर से अभियान की शुरुआत होगी, इसको लोक संपर्क अभियान कांग्रेस के नेताओं ने नाम दिया है। इसके माध्यम से पार्टी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती है, साथ ही जो चुनाव आने वाले हैं उस समय जो फंडिंग के चलते कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ता उन्हें ना करना पड़े, इसलिए इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। वैभव, अगर बात की जाए 32 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, क्या आपको लगता है कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? रणनीति साफ है, कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से दूर हो गए थे पार्टियों की नीति के चलते, उनको पार्टी साधना चाहती है, उनसे मदद मांगना चाहती है। उनका कहना है कि पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो अभी वक्त है, तो आप भी पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम कीजिए। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।